इंडिया की साइबर सिक्योरिटी अभी इतना पावरफुल बन चुका है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कनाडा की हवा टाइट हो रखा है। हमारे देश जो सिर्फ आईटी आउटसोर्सिंग के लिए फेमस था, अब दुनिया के मोस्ट पावरफुल साइबर डिफेंस में एक बन चुका है। आज इंडिया की साइबर सिक्योरिटी से न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बल्कि कनाडा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज भी अलर्ट हो चुका है। साइबर पावर के रेस में इंडिया का नाम आगे आने वाला है और ये बात दुनिया भर में एक कंसर्न बन चुका है। लेकिन आखिर है क्या इंडिया के पास जो दुनिया को हमसे डर लगने लगा है? Let's find out today's video, the power of Indian cyber security. इंडिया के पास एक मैसिव साइबर सिक्योरिटी टैलेंट पूल है। इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स और इथिकल हैकर मौजूद है, जो किसी भी साइबर अटैक और साइबर डिफेंस में काफी हेल्पफुल है। यूएस जैसे कंट्रीज पहले यहां से अपनी आईटी और साइबर एक्सपर्ट्स आउटसोर्स करते थे, लेकिन अब इंडिया इन प्रोफेशनल्स को खुद के लिए यूज कर रहा है, जो उनके लिए एक मेजर कंसर्न है। इंडिया अब ग्लोबल साउथ में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और रिसोर्स शेयर कर रहा है, जिससे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को साइबर थ्रेट से फाइट करने में हेल्प मिल रहा है। ये कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ आईटी हब नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का एक लीडर भी बन गया है, जो छोटे कंट्रीज के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। भारत एक डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है और हर सेक्टर में जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, डिफेंस, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। इसका मतलब साइबर थ्रेट्स भी बढ़ गया है। 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रोजाना हजारों साइबर अटैक्स डिटेक्ट किया जाता है, जिसका मुकाबला हमारे जावाज साइबर सिक्योरिटीज आर्मी करता है। अभी देखते हैं हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है हमारे साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया है साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, न्यू डाटा प्रोटेक्शन लॉज, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे देश में फैला दिया है, जिसे अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ गया है पर साइबर सिक्योरिटीज की थ्रेड भी बढ़ गया है। अब अगर बात करें डिफेंस की, तो इंडियन आर्म फोर्स ने भी अपने आप को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए एडवांस सिस्टम सेटअप कर लिया है, जैसे कि डिफेंस साइबर एजेंसी DCA। ये एजेंसी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ साइबर ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है और साइबर अटैक्स के लिए रेडी रहता है। इसके अलावा भी DRDO तो है ही, जो एडवांस साइबर डिफेंस टूल बनाता है, जो स्पेशली मिलिट्री के लिए होता है, जिसे साइबर अटैक्स से बचा जा सके। अभी बात करें कुछ रीसेंट साइबर अटैक्स की, तो मुंबई पावर ग्रिड अटैक 2020, इस अटैक्स ने साबित कर दिया कि कैसे फॉरेन हैकर्स हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। इसके बाद साइबर डिफेंस को और भी ताकतवर किया गया। उसके बाद आता है UPI सिस्टम अटैक्स। UPI पे भी बहुत सारे अटैक्स अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन इंडियन बैंक्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के कोलैबोरेशन के कारण इनका वक्त से पहले रिस्पॉन्स किया जाता है। आने वाले टाइम में इंडिया का साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। कुछ मेजर ट्रेंड्स जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन स्टार्टअप का रोल। अभी इस सब चीज में कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अगर इसको एज ए करियर चूज करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज साइबर सिक्योरिटी किसी भी देश की इकोनॉमिक और नेशन सिक्योरिटी का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इंडिया भी उस रेस में पीछे नहीं है और अपने सिस्टम को दिन ब दिन स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो इंडियन साइबर सिक्योरिटी की पावर और फ्यूचर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ऐसे वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।